कभी जिस निर्देशक ने अपने अनोखे फिल्म मेकिंग शैली से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था, कभी जिस व्यक्ति ने बॉलीवुड सिनेमा में उम्मीद की एक लौ जलाई, आज वो उसी दलदल में फंस चुका है जिससे वो भारतीय सिनेमा विशेषकर बॉलीवुड को दूर रखना चाहता था। ये कहानी है उसी इम्तियाज अली की, जिसने कभी जब भी मैट जैसी फिल्में बनाई और अब लव आजकल 2020 जैसी फिल्मों से अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। 16 जून 1971 को पटना में जन्मे इम्तियाज अली शुरू से ही काफी प्रतिभावान युवक थे। हिंदू कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू करने वाले इम्तियाज अली ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की, जहां उन्होंने इम्तिहान, नैना और कुरुक्षेत्र जैसे सीरियल्स का निर्देशन किया। इसके साथ साथ उन्होंने जी टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित एंथोलॉजी शो रिश्ते के लिए कुछ पटकथाएं लिखी और उन्हें निर्देशित भी किया। टीवी पर सफलता का स्वाद चखने के कुछ वर्षों बाद इम्तियाज अली ने फिल्मों की ओर रुख किया, परंतु उनकी पहली फिल्म सोचा ना था दर्शकों को पसंद नहीं आई और 2006 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप सिद्ध हुई। परंतु अगले ही वर्ष इम्तियाज अली लेकर आए जब वी मेट, जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में थे। रिलेशनशिप पर इस अनोखे टेक को दर्शकों ने जमकर सराहा और इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। इतना ही नहीं, इस फिल्म से प्रेरित होकर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी जिसका नाम था लीप ईयर। इसके बाद तो इम्तियाज अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक वे सफल फिल्मों की झड़ी लगाते गए। 2009 में उनकी फिल्म आई लव आजकल, जिसमें प्रेम के बदलते मायनों पर प्रकाश डाला गया था। ये फिल्म युवा वर्ग को बेहद पसंद आई थी और उससे भी ज्यादा बढ़िया बात थी दो अलग अलग पीरियड्स का अद्भुत संगम, जो बहुत ही कम हिंदी फिल्मों ने सिद्ध किया है। जब वी मेट की भांति ये फिल्म भी काफी सफल रही थी और लीड जोड़ी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को उनके अभिनय के लिए काफी सराहा गया था। फिर आया वर्ष 2011 और इम्तियाज अली लेकर आए फिल्म रॉकस्टार। एक संगीतज्ञ के रॉकस्टार बनने के पूरे सफर और किस प्रकार से सफलता के साथ उसके व्यक्तित्व में एक व्यापक बदलाव आता है, यही रॉकस्टार की कहानी का सार है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के साथ साथ कई पुरस्कार बटोरे और स्वयं इम्तियाज अली को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ कथा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित किया गया। रणबीर कपूर को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इम्तियाज अली अब भारत के उत्कृष्ट फिल्मों में गिने जाने लगे। उनकी अगली फिल्म हाईवे भले ही स्टॉकहोम सिंड्रोम का महिमा मंडन करने के लिए विवादों के घेरे में आई, परंतु इसने बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी थोड़ा प्रकाश डाला था। आलिया भट्ट की एक्टिंग और फिल्म की दमदार कथा के कारण इस फिल्म को भी रॉक स्टार जैसी प्रशंसा और सफलता मिली। आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का पुरस्कार दिया गया था, परंतु शायद इम्तियाज अली सफलता को पचा नहीं पाए और धीरे धीरे वे गर्त में गिरने लगे। इसके लक्षण शायद दर्शकों को तमाशा में ही दिख जाने चाहिए थे, जब कुछ जगह पटकथा मार्मिक और कथ्य परक कम अधकचरी ज्यादा लग रही थी, परंतु पूरी फिल्म से एक दमदार संदेश मिलने के कारण इन गलतियों पर मानो पर्दा पड़ गया और इम्तियाज अली के खाते में एक और सफल फिल्म आई। अब एक कलाकार के कई पहलू हैं, जिसमें से एक होती है विचारधारा। हमारे देश में कलाकारों की एक निश्चित विचारधारा होती है, जिसमें या तो वे विशुद्ध वामपंथी होते हैं या फिर वे विशुद्ध दक्षिणपंथी होते हैं। परंतु जब आपकी विचारधारा आपके काम पर हावी होने लगे और इससे आपके काम को हानि पहुंचने लगे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश ये बात इम्तियाज अली को बिल्कुल समझ में नहीं आई और वे उसी राह पर चल पड़े जिस पर चलकर अनुराग कश्यप और जोया अख्तर जैसे फिल्मकार आज कई सिनेमा प्रेमियों के लिए उपहास के पात्र बने हुए हैं। 2017 में इम्तियाज अली की फिल्म आई जब हैरी मेट सेजल। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा अभिनीत ये फिल्म कथित तौर पर जब वी मेट और हाईवे जैसी फिल्मों के परिपाटी को बढ़ावा देने वाली फिल्म बताई जा रही थी, परंतु फिल्म के रिलीज होने पर जनता ने इसके इलॉजिकल प्लॉट और उससे भी घटिया डायलॉग देखकर एक सुर में कहा, कुछ भी। लेकिन इम्तियाज अली ने इस फिल्म की असफलता से कोई सीख नहीं ली और फिर उन्होंने प्रोड्यूस की लैला मजनू। इस फिल्म को इम्तियाज अली ने भले निर्देशित नहीं किया था, परंतु इस फिल्म में इम्तियाज अली की छाप साफ झलकती थी। आखिरकार इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने जो लिखी थी, परंतु ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और इसका घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 भी पार नहीं कर पाया। अब लव आजकल 2 ने सिद्ध कर दिया है कि कैसे इम्तियाज अली ने अपने हाथों से ही अपने फिल्म करियर की बलि चढ़ा दी है।
जिस तरह से ये फिल्म दर्शकों को लुभाने में असफल रही है उससे सिद्ध हो गया है कि या तो ये अपनी पहचान खो चुके हैं या फिर ये फिल्मकार शुरू से ही औसत दर्जे के थे, बस इनका वास्तविक रूप अभी सामने आया है। ये निसंदेह काफी दुखदाई है कि एक फिल्मकार जिसे पूरा देश उसकी प्रतिभा के लिए प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकता था, अब बेचारा एक अदद स्क्रिप्ट के लिए मारा मारा फिर रहा है।